विभाग और शिक्षा विभाग में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे अंशकालीन कर्मचारी अपनी दो सूत्रीय मांग पूरी न होने से खासे नाराज हैं, जिन्होंने शासन प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अंशकालीन कर्मचारी की लगातार उपेक्षा किए जाने की बात कही। जहां समस्त अंशकालीन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने और उन्हें कलेक्टर दर से मानदेय दिए जाने की प्रमुख मांगों को लेकर सोमवार को मध्य प्रदेश अंशकालीन कर्मचारी संघ के बैनर तले एक बैठक आयोजित किया गया। नगर के बूढ़ी रोड में स्थित भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में आयोजित इस बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने अपनी इस मांग को लेकर पूर्व में किए गए प्रयासों का वर्णन करते हुए आश्वासन के बाद भी मांग पूरी न होने पर अपनी नाराजगी जताई। वहीं अपनी इसी मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ कार्यालय से नगर में एक रैली निकाली गई। हाथों में मांगों की तख्ती लिए निकली यह रैली नगर के विभिन्न मार्गों का गश्त करते हुए सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां पर मध्य प्रदेश अंशकालीन कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और सौंपे गए इस ज्ञापन में उन्होंने उनकी दो सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने की भी गुहार लगाई, जहाँ उन्होंने मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन काम बंद कर हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दी। लगातार नारे वारे लगाना होगा तो भैया वो डाल देना, वीडियो डाल दे अब तक के। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंशकालीन कर्मचारी संघ जिंदाबाद, अंशकालीन कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांग ये है कि हमारे जो पूरे प्रदेश भर में जनजाति कार्य विभाग शिक्षा विभाग में विगत कई वर्षों से लगभग 50,000 अंशकालीन कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिनको मानदेय के रूप में केवल 5,000 मासिक वेतन दिया जाता है, जिसमें लिपिक हैं और अंशकालीन सफाई कर्मी हैं, व्रत हैं, रसोईया हैं, जलवाहक हैं। इनको कई वर्षों से जो कार्य कर रहे हैं, 15 साल, 20 साल, 8-8, 9-9 सालों से जो कार्य कर रहे हैं, उनको केवल मासिक वेतन यानी मानदेय जो है प्रशासन की ओर से 5,000 देते हैं, सफाई कर्मी को 2,500 दिया जाता है। तो आज हम मुख्यमंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय के नाम ज्ञापन सौंपने यहाँ कलेक्टर कार्यालय आए थे। कर्णापुर क्षेत्र में एक बार फिर बाघ ने अपनी दस्तक दे दी है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त। दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र कर्णापुर के अंतर्गत ग्राम जोधी टोला से लोड़ांगी सड़क पर पार करते हुए अचानक वन्य प्राणी बाघ ने दर्शन दे दिया। ग्रामीणों के द्वारा इस पर देखे जाने पर वहां दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। आपको बताया कि सोमवार को सुबह 8:30 बजे ग्रामीणों के द्वारा बीच सड़क पर एकाएक अपने बीच से तेज गति से वन्य प्राणी बाघ के क्रॉस होने पर वे सहम गए तथा भय से वे पीछे की ओर भागने लगे। उनमें से किसी एक व्यक्ति ने साहस दिखाते हुए बाघ की सड़क पार करने का वीडियो बना लिया और यह वीडियो बड़ी ही तेजी से स्थानीय सोशल मीडिया ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में वायरल हो रहा है। बताया गया कि वर्तमान समय में खेतों में धान की फसल लगी हुई है और किसान अपने खेत जाते रहते हैं, ऐसे में जंगलों से लगे खेतों में जाने का डर बना हुआ है कि कहीं बाघ से उनका सामना न हो जाए। क्षेत्र में बाघ देखे जाने की पुष्टि वन परिक्षेत्र कर्णापुर के अधिकारी जगदास खरे के द्वारा भी की गई। दूरभाष पर जानकारी में उन्होंने बताया कि यह नागजीरा की बाघिन नहीं है, बल्कि हमारे स्थानीय जंगलों का ही यह बाघ है, क्योंकि नागजीरा अभ्यारण्य के अधिकारियों की टीम के द्वारा बाघिन के लोकेशन की पुष्टि नहीं की गई है। ग्रामीणों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों में अकेले न जाए। बहरहाल क्षेत्र के जंगलों में एक बार फिर बाघ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। वो वीडियो भी नहीं मेरे साले वो पार पर गई तब दिखी थी वो दिखी निकल गए निकल बीच में बंदी में है वो गए वो गए वो गए अबे यहाँ तो बहुत अच्छा रहे।
भारी सीजन में अक्सर बस मालिक बेखौफ होकर मुनाफे के लालच में क्षमता से अधिक सवारी लेते हैं, जिससे अक्सर बड़े हादसे का डर बना रहता है। इससे बस संचालकों के खिलाफ सोमवार को यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक समित सौरभ के निर्देश पर यातायात पुलिस ने सोमवार को पुलिस लाइन रोड पर चार बसों पर क्षमता से अधिक सवारी लेने पर 6,600 रुपए का चालान काटा है। वहीं यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस लाइन रोड गर्रा रोड में यातायात टीम ने वारासुनी ललबरा रोड की कुछ यात्री बसों को रोककर चेक किया गया तो कुछ बसों में 5 तो कुछ में 8 से 10 यात्री अधिक मिले। ओवरलोड के मामले में पुलिस ने एस कुमार जायसवाल, कौशल ट्रेवल्स और दुर्गा ट्रेवल्स की बसों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की तथा आगे क्षमता से अधिक सवारी न लेने की हिदायत दी। वर्षों से लंबित अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र देने की मांग पूरी न होने से नाराज आदिवासी गुवारी समाज ने भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए भाजपा को वोट नहीं देने के सामूहिक रूप से कसम खाई है। जिन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किए जाने की बात नहीं कही बल्कि आगामी चुनाव में पूर्व समाज को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने का सामूहिक रूप से प्रण भी लिया है। यह निर्णय आदिवासी गोवारी समाज संगठन के द्वारा सोमवार को नगर में निकाली गई आक्रोश रैली व कलेक्टर कार्यालय में चले करीब 2 घंटे के धरना प्रदर्शन के दौरान लिया गया, जहां उन्होंने आदिवासी गोवारी समाज को ओबीसी से विलोपित कर अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग की। जिन्होंने स्पष्ट किया कि आदिवासी गोवारी समाज अनुसूचित जनजाति में आता है, बावजूद इसके कि सरकार ने अब तक उन्हें ओबीसी से विलोपित नहीं किया और ना ही अब तक अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया, जिसके चलते आदिवासी गुवारी समाज ने आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करने की भी बात कही। वहीं चुनाव के पूर्व तक प्रमाण पत्र न मिलने पर बीजेपी के किसी भी जनप्रतिनिधि को वोट नहीं करने का सामूहिक रूप से ऐलान कर दिया। तो वहीं इस आक्रोश रैली धरना प्रदर्शन चक्का जाम के बाद ज्ञापन सौंपने के बाद भी मांग पूरी न होने पर विभिन्न समाज संगठनों के साथ मिलकर विधानसभा का घेराव करने की भी चेतावनी दी। आपको बताया कि विगत कई वर्षों से अनुसूचित जनजाति का अधिकार देने की भी मांग करे आदिवासी गोवारी समाज के लोग सोमवार को हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे, जिन्होंने वर्षों से लंबित यह मांग अब तक पूरी न होने पर अपना आक्रोश जताया। यहां आक्रोश रैली नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान से हनुमान चौक, मेन रोड, कालीपुतली चौक, आम्बेडकर चौक होते हुए सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां करीब 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन कर समाज में अपना आक्रोश जताया। तो वहीं अपनी इसी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जहां उन्होंने आगामी चुनाव में पूर्व अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न मिलने पर भाजपा को वोट नहीं देने की सामूहिक रूप से कसम खाई। अपने वाणी को एक इनाम देता हूँ। जय गुवारी, जय किनवर मुटुआ। गाड़ी को आगे ला, गाड़ी आगे ला।
गुवारी समाज जो है कम से कम 45 सालों से आजादी के बाद ये तो समाज का जेएसपी का सर्टिफिकेट पाने के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं और इन्होंने पूरे समाज गुवारी समाज हम लोगों से आग्रह किया कि भैया हम लोग निरंतर संघर्ष करते हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष होने के नाते हमने इनको भी आश्वस्त किया है कि ज्ञापन बहुत निरंतर आप लोगों ने दिए और तुम्हारी जो लड़ाई है इसमें हम शामिल हैं और आने वाले समय में अगर सरकार नहीं मानती है इनकी मांगों को तो आने वाले समय में पूरा मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद और बालाघाट जिले के विभिन्न संगठन जो समाज का नेतृत्व करते हैं सभी से हम आग्रह करके एक भव्य आंदोलन आने वाले समय में रणनीति के साथ में रखेंगे और आने वाले समय में अगर हुआ तो पूरा जो आदिवासी समाज है वो विधानसभा का घेराव भी करेगा और अपनी मांगों के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। आदिवासी गोवारी समाज संगठन के नेतृत्व में जो गोवारी जाति जो संविधान के तहत अनुच्छेद 342 में और क्रमांक 16 पर गोवारी जाति स्पष्ट रूप से आदिवासी में आती है, जो गोंड जाति को जो सुविधाएं मिलती है वो गोवारी जाति को भी मिलना चाहिए। गोवारी जाति के लिए कानून अलग क्यों बनाया जा रहा है? हम लोग नाराज होकर जबकि मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कई बार बोल दी बालाघाट सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में गोवारी जाति अनुसूचित जाति के लिए मान्य है और पूरे राजपत्र भारत के राजपत्र में गोवारी जाति अनुसूचित जनजाति में, मध्य प्रदेश के राजपत्र में गोवारी जाति अनुसूचित जनजाति में, मध्य प्रदेश शासन में शिक्षा मंडल में कक्षा 6वीं में सहायक वाचन में कक्षा 6वीं में अध्याय नंबर 4 और 40 नंबर के पेज में प्रमुख मध्य प्रदेश की प्रमुख कौन कौन सी जाति है तो उसमें गोवारी जाति का भी स्पष्ट रूप से जो है उल्लेख किया गया है। सारी सरकारी दस्तावेज में गोवारी जाति अनुसूचित जनजाति में आती है फिर भी गोवारी जाति को जो उसका संवैधानिक अधिकार है उसका जो मूल अधिकार है जिसका जन्मसिद्ध अधिकार है उससे दूर रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो बालाघाट जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेता गोवारी जाति का उसका मूल अधिकार न मिले इसलिए हमेशा परेशान जो है प्रयास करते रहते। आज हमने इतना बड़ा आंदोलन किया लेकिन कोई भी बीजेपी का नेता बीजेपी के विधायक बीजेपी के सांसद कोई भी गोवारी जाति के संवैधानिक अधिकार के लिए बोलने से बच रहे हैं, बालाघाट से बाहर जा रहे हैं। ये अगर गोवारी जाति को एसटी का जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को गोवारी जाति का आदमी बच्चा महिला पुरुष नौजवान साथी पूरा मध्य प्रदेश में इसका बहिष्कार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। शहीद भगत सिंह शासकीय जिला अस्पताल बालाघाट के चिकित्सकों की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण एक महिला के शव का 4 घंटे बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया और इस महिला के परिवार के लोग और पुलिस कर्मचारी पोस्टमार्टम करवाने के लिए भटकते रहे। मानवता खो चुके इस अस्पताल के चिकित्सकों का दिल नहीं पसीजा और इन चिकित्सकों ने मृत महिला के शव को मर्चुरी में छोड़ दिया गया। आपको बताए कि यहाँ आदिवासी महिला रीमा पति यशवीर मशकोले 27 वर्ष ग्राम खुरसुरा थाना उगली जिला सिवनी निवासी है। 1 सितंबर को दोपहर में किसी कारणवश इस महिला ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया था जिसे उसके परिवार वालों ने 2 सितंबर की रात करीब 1 बजे जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया था किंतु उपचार के कुछ देर बाद इस महिला के परिजनों ने उसे बालाघाट नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया था जहाँ उपचार के दौरान 4 सितंबर को 12 बजे करीब उसकी मौत हो गई। इस निजी अस्पताल से इस महिला की मौत के संबंध में कोतवाली बालाघाट में सूचना दी गई थी। यहां से पुलिस स्टाफ ने वहां पहुंचकर शव पंचनामा कार्रवाई की और 2 बजे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बालाघाट भिजवाया। उस समय वहां पर आकस्मिक ड्यूटी में एक महिला चिकित्सक उपस्थित थी किंतु यह महिला चिकित्सक पोस्टमार्टम करने के सक्षम नहीं थी जिसके बाद पुलिस कर्मचारियों ने इस महिला का पोस्टमार्टम करवाने के लिए RMO डॉक्टर वर्ष चौबे से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर जबलपुर से लौट रहा है और वह सिवनी तक पहुंच गया है, वह 1 घंटे में आकर महिला का पोस्टमार्टम कर देगा किंतु शाम 4 बजे तक यहां पोस्टमार्टम करने वाला विशेष डॉक्टर जिला अस्पताल नहीं पहुंचा। इस संबंध में पद्मेश 24/7 ने दूरभाष पर सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव से महिला के शव का पोस्टमार्टम के संबंध में चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर वर्ष चौबे से बात करता हूँ। उसके बाद भी डॉक्टर वर्ष चौबे इस महिला का पोस्टमार्टम करने नहीं पहुंचे और किसी अन्य डॉक्टर को भी नहीं पहुंचाए। जब पद्मेश 24/7 ने दूरभाष पर डॉक्टर वर्ष चौबे से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर जबलपुर से निकल गया है और वह जल्द ही आकर महिला का पोस्टमार्टम कर देगा। शाम 6 बज गए तब तक जबलपुर से बालाघाट आने वाला डॉक्टर नहीं पहुँचा। चाहे तो डॉक्टर वर्ष चौबे जो यहाँ
आईएमओ के पद पर पदस्थ है। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए वे इस महिला का पोस्टमार्टम कर सकते थे, किंतु उन्होंने नहीं किया। जिला अस्पताल के चिकित्सकों की गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण 4 घंटे बाद भी इस महिला का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया और मजबूर होकर पुलिस कर्मचारियों को मानवता खो चुके जिला अस्पताल के चिकित्सकों के कारण महिला के शव को जिला अस्पताल के मर्चुरी में रख दिया गया। आपको बताया कि पूर्व में भी इस जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजेवार थे। उस समय यहाँ की कुछ व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक अच्छी थी और वे विषम परिस्थितियों में पोस्टमार्टम करने स्वयं ही आ जाते थे, किंतु अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पोस्टमार्टम करने एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर पर टालते रहते हैं। यहाँ की व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। आकस्मिक चिकित्सा ड्यूटी में रहने वाले चिकित्सकों के आने और जाने का कोई निर्धारित समय नहीं है। कब कौन सा डॉक्टर अपने समय के पहले निकल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। 2 दिन पहले 1:45 पर एक चिकित्सक रिलीवर चिकित्सक आने के पूर्व ही अस्पताल से चली गई और उस समय 2 बजे आने वाला चिकित्सक 2:30 आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में पहुंचा। ऐसी बहुत सी यहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं। चिकित्सा सुविधा नाम मात्र की रह चुकी है और यहाँ के मरीज उपचार के अभाव में प्राइवेट अस्पताल जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नक्सली सक्रियता से अति संवेदनशील मलाजखंड थाने के पाथरी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कंदई में इसी ग्राम के एक व्यक्ति की 3 लोगों ने लालटेन डंडे और हाथ बुक्कों से मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। 2 सितंबर की शाम यह वारदात जमीन के विवादित चलते हुए पाथरी पुलिस ने मृतक हेमंत पिता सबू सिंह धुर्वे के शव को बरामद कर इस व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में इसी ग्राम के 3 व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। 3 को बैयर की अदालत में पेश कर दिया गया जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हेमंत ध्रुवे 2 भाई है। दोनों भाई अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते हैं। बताया गया कि हेमंत ध्रुवे के बड़े भाई दिलीप सिंह ध्रुवे की जमीन पर 6-7 वर्षों से संतोष उई के अधिया का काम कर रहा है। हेमंत ध्रुवे संतोष उइके को उस जमीन पर काम नहीं करने को लेकर मना कर रहा था। इसी को लेकर हेमंत ध्रुवे और संतोष उइके के बीच विवाद चल रहा था। यह विवाद आपसी रंजिश में बन चुका था और संतोष उइके हेमंत ध्रुवे को रास्ते की हटाने की फिराक में लगा रहता था। 2 सितंबर की शाम को हेमंत ध्रुवे को संतोष उइके ने अपने गाँव अग्नु मेरावी और उसके पिता मोती सिंह मेरावी के साथ शराब पीने के लिए अपने गाँव के भैंसबुदान नाले की तरफ ले गए थे, जहाँ पर जमीनी विवाद को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। संतोष उइके ने अग्नु मेरावी और उसके पिता मोती सिंह मरावी के साथ मिलकर हेमंत ध्रुवे को डंडे और हाथ बुक्कों से मारपीट कर दिया, जिसे सर में चोट आने से हेमंत की मौके पर ही मौत हो गई। 5:30 बजे गांव के रूपराम ध्रुवे ने नाले के चट्टान में हेमंत ध्रुवे को मृत हालत में देखा। तब उसने गांव में जाकर उसके भाई को बताया और दिलीप ध्रुवे ने गांव के लोगों के साथ नाले पर पहुंचा, जहां पर उसका भाई हेमंत ध्रुवे चट्टान में मृत हालत में पड़ा हुआ था। घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन 3 सितंबर को दिलीप सिंह ध्रुवे ने पाथरी पुलिस चौकी में की थी। यहां से पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर ग्राम कंदई पहुंचकर मृतक हेमंत ध्रुवे के शव बरामद किया और बिरसा अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पाथरी पुलिस चौकी प्रभारी ने मरघट जांच के उपरांत हेमंत ध्रुवे की हत्या करने के आरोप में संतोष उई के अग्रु मेरावी और मोती सिंह मेरावी के विरुद्ध धारा 302-34 के तहत नामजद अपराध दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से 3 आरोपी फरार थे। सूचना मिलते ही मलाजखंड थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह बंद्रो भी पार्थी पहुंच चुके थे, जिनके मार्गदर्शन में ही एक टीम गठित की गई और नक्सली क्षेत्र होने के बावजूद भी शाम को फरार इन 3 आरोपियों की तलाशी शुरू की गई और इस दौरान 3 फरार आरोपियों को सूचना के आधार पर ग्राम भूरुक में पकड़ लिया गया और उन्हें पुलिस चौकी में लाकर पूछताछ की गई, जिसने हेमंत ध्रुवे की हत्या करना कबूल किया। 3 आरोपी हेमंत ध्रुवे की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार करके 4 सितंबर को बैयर की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है।